कालकिंग राक्षसी मुस्कान के साथ उस भीड़ की ओर बढ़ा। कालकिंग के बढ़ते कदम के साथ सबके दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। सब लोग एक झुंड में थे। कालकिंग धीरे धीरे आरुषि की ओर बढ़ रहा था। आरुषि ने अपना चेहरा एक स्कार्फ से ढका हुआ था। कालकिंग चलते चलते आरुषि के पास से गुजरकर आगे बढ़ गया। दर्श को यह देखकर शांति हुई। एक पल के लिए दर्श को लगा कि अब शायद कालकिंग आरुषि को अपना शिकार बनाएगा, लेकिन कालकिंग की नजर किसी और लड़की पर थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि राशि थी। राशि के पास रुककर कालकिंग ने इशारा किया और एक राक्षस आकर राशि को भीड़ से खींचकर बाहर ले आया। नहीं नहीं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राशि खुद को उस राक्षस से छुड़ाकर फिर से उस भीड़ में जाने की कोशिश कर रही थी। काल राक्षस की नजर अब राशि पर पड़ गई थी, और कहा जाता है कि काल की नजर एक बार जिस लड़की पर पड़ गई फिर काल उसे छोड़ता नहीं। राशि समझ गई थी कि अगला शिकार अब उसका होने वाला था। जैसे काल राजा राशि को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, राशि ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। प्रथम वीरज और बाकी के कई लोग राशि की मदद करना चाहते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। कोई भी अपनी जान दांव पर लगाना नहीं चाहता था। क्या प्रथम राशि को बचा पाएगा? क्या प्रथम वीरज और दीपेन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राशि को काल के चंगुल से छुड़ा पाएंगे? राशि ने सोचा भी नहीं था कि अगला शिकार वो होगी। मरीचा ने उस लड़की का जो हाल किया उसके बाद राशि कैसे शांत रह सकती थी? उस लड़की के साथ हुए जुल्म को राशि अभी तक भूली नहीं थी। उसका सिर भारी होने के कारण उसे चक्कर आने लगे थे। हालांकि उस लड़की ने चिल्ला चिल्ला कर अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। मरीचा जोर से हंस पड़ा। मरीचा राशि की ओर बढ़ा। मरीचा की आंखों में उसके इरादे साफ झलक रहे थे। शायद ही मरीचा ने राशि जैसी खूबसूरत लड़की पहले देखी होगी। राशि के पास प्रथम की ओर देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। राशि ने कहा, प्रथम प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मैं जीना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती, कोई तो मदद करो। प्रथम काफी डर गया था। काल राक्षस के दो थप्पड़ खाने के बाद प्रथम ने हार मान ली थी। राशि के चीखने पर भी प्रथम ने उसकी एक नहीं सुनी और अपना मुंह फेर लिया। प्रथम ने सोचा एक लड़की के लिए वो अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकता है, इसलिए प्रथम ने स्वाभाविक रूप से अपना सिर नीचे किया और उसे इग्नोर कर दिया। ये वही प्रथम था जिसने राशि के लिए दर्श को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन अब जब उसके सामने राक्षस थे तो प्रथम राशि की ओर देख भी नहीं रहा था। राशि ने प्रथम को गुस्से से कहा, प्रथम कमीने, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, जब तक तुम्हें जरूरत पड़ी मैं तब तक तुम्हारे साथ खड़ी रही, और तुम मुझसे मुंह फेर रहे हो। सबके सामने तुमने मुझे बचाने से इनकार कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम लीडर कहलाने के लायक ही नहीं हो। अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं तुम्हारा राज यहाँ सबको बता दूंगी, और तुम्हारे द्वारा किए गए सभी अच्छे गलत कामों के काले चिट्ठों के बारे में भी सबको बता दूंगी। यहाँ मौजूद हर कोई जानता है कि तुम कौन हो। राशि पागलों की तरह चिल्लाने लगी और प्रथम को धमकाने लगी। प्रथम डर गया था। उसे डर था कि कहीं वो राज सबके सामने ना आ जाए, इसलिए प्रथम ने नाटक करते हुए कहा, राशि अपनी बकवास बंद करो, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो, और तुम ये क्या कह रही हो, कौन सा राज? राशि ने कहा, तुम एक नंबर के झूठे हो। तुमने मुझसे झूठ बोला और कहा कि मुझे भविष्य में इस गांव की मालकिन बनाया जाएगा, और तुम्हारी इन्हीं बातों में आकर मैंने वही किया जो तुमने कहा। तुमने इसका फायदा उठाया और मेरा ये शरीर मुझसे छीन लिया, और तुमने मुझे अपने फायदे के लिए ऐसे शर्मनाक और घटिया काम करने पर मजबूर किया, और तुम कहते हो कि तुमने क्या किया? क्या कहा तुमने कि मैं बकवास कर रही थी? अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुमने मुझसे क्या कहा था। प्रथम काफी डर गया था। प्रथम ने राशि को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राशि बहुत गुस्से में थी। प्रथम ने राशि को चुप रहने का इशारा भी किया, लेकिन राशि ने प्रथम की बात को अनदेखा कर दिया। वो कहते हैं ना, जब मौत पास होती है तो सारी सच्चाई अपने आप बाहर निकल जाती है। राशि ने सबके सामने डर के मारे सारी सच्चाई कबूल कर ली थी। राशि ने कहा, तो सुनो, वो प्रथम ही था जो चाहता था कि मैं दर्श को रात के खाने पर आमंत्रण दूं, और जैसे ही दर्श खाने के बहाने मेरे टेंट में आए, उसके साथ खाना खाते समय उसे मेरे साथ बलात्कार करने के इल्जाम में फंसाऊं। दर्श मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया था वो सब मजबूरी में किया था, और मेरी इस मजबूरी का फायदा इस प्रथम ने उठाया। जैसे ही राशि ने सच कहा, सब दंग रह गए, मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दर्श का अनुमान सही था कि इन सब के पीछे प्रथम का ही हाथ था। आरुषि ने जब राशि की बात सुनी
एक पल के लिए वो भी दंग रह गया था। वहां मौजूद सभी प्रथम को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन आरुषि को राशि की बात पर भरोसा नहीं था। प्रथम ने अपने बचाव में कहा, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। राशि बस मनगढ़ंत बातें बना रही है और कुछ नहीं। तुम्हारे पास क्या सबूत है, बताओ मुझे। राशि ने कहा, सबूत? मैं तुम्हारी चालों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। तुम बस अपने लिए समय इकट्ठा करना चाहते हो, मुझे बोलने का मौका ना मिले और काल मुझे मार दे, लेकिन मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। वो तुम ही थे जो दर्श और आरुषि के नजदीक आने से जलते थे, उनके साथ घूमने से जलते थे, और इसलिए दर्श को नुकसान पहुंचाने के लिए तुमने ही ये तरीका अपनाया, जिससे दर्श हमेशा हमेशा के लिए आरुषि से दूर हो जाए और तुम आरुषि के साथ समय बिता सको। आरुषि ने जैसे ही राशि की बात सुनी, उसे प्रथम के किए पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रथम जो आरुषि के साथ इतना अच्छा बनता फिरता था, वो ऐसा कुछ भी कर सकता है? राशि ने कहा, मैं उस गांव की मालकिन बनने में इतनी अंधी हो गई थी कि क्या सही है और क्या गलत है मैं सब भूल गई थी। मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी कि मैं प्रथम की बातों में आ गई थी, और उसने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरा साथ देगा, लेकिन ये सब एक चाल थी अपना काम करवाने की। जैसे ही अपना काम हो गया, प्रथम ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। ये देखकर कि प्रथम ने उसे बचाने से इनकार कर दिया, राशि ने कोई दया नहीं दिखाई और प्रथम का पूरा काला चिट्ठा सबको बता दिया। क्या प्रथम इतनी हद तक गिर सकता है? जैसे ही राशि की बातें सामने आई, वहां मौजूद सभी लोग अचानक से चौंक गए थे। हर कोई राशि की मदद नहीं कर सका, लेकिन प्रथम को देखकर सब नाखुश थे, और प्रथम ने तब से लेकर अब तक इस नाटक को बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे निभाया जैसे कि वो इन सब बातों से अनजान है। दर्श ने कहा, मैं पहले ही जानता था कि इन सब के पीछे तेरा ही हाथ होगा, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं बस चाहता था कि ये बात तुम खुद सबको कहो, और देखो यहां मौजूद सभी को सच्चाई पता चल गई है कि कौन सही है और कौन नहीं। वहां मौजूद सभी लोग प्रथम को गुस्से से देख रहे थे। उसमें से एक ने कहा, ये हमारा टीम लीडर बनने के लायक ही नहीं है। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ, ये एक नंबर का दो गला इंसान है, स्वार्थी है, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तीसरे ने कहा, काल राक्षस, तुम्हें अगर जान ही लेनी है तो राशि को छोड़ दो और इस दुष्ट शैतान प्रथम को जान से मार डालो। सभी बहुत गुस्सा हो गए थे, राक्षस भी इनका मजा ले रहे थे। इंसानों को ऐसे ही झगड़ता देख सभी राक्षस आनंद ले रहे थे। वीरज ने कहा, अगर राशि ने जो कहा वो सच है तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रथम पूरी तरह गलत है? एक बार प्रथम की सच्चाई भी तो जाननी जरूरी है ना। ये सब सुन आरुषि की खूबसूरत आंखें भी थोड़ी कांप गई और दर्श पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सकी। दर्श ने हंसते हुए कहा, देखो अब तो सच्चाई सबके सामने आ ही गई है, अब तो मानते हो ना कि मेरे साथ अन्याय हुआ था। आरुषि ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और दर्श को देखकर कहा, दर्श तुम भी एक अच्छे इंसान नहीं हो। इतना कहने के बाद आरुषि ने तुरंत अपना सिर घुमाया और दर्श को नजरअंदाज कर दिया। आरुषि के ऐसे बर्ताव से प्रथम बेहद खुश था। आरुषि ने कहा, राशि तुम बातें बनाने में सचमुच बहुत अच्छी हो, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि लोग तुम पर विश्वास करेंगे, तुम्हारा अनाड़ी झूठ? उसी समय प्रथम जोर से हंसा। उनके लिए ये सब स्वीकार करना स्वाभाविक रूप से थोड़ा मुश्किल था। राशि ने कहा, हर कोई बता सकता है कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है या झूठ। मैं बस सभी बहनों को सलाह देना चाहती हूँ कि प्रथम पर विश्वास ना करें, क्योंकि वो किसी के भरोसे के लायक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना जानता है। वीरज और दीपेन से भी राशि ने कहा कि तुम्हारा भी ये सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, जैसे ही इसका काम खत्म होगा वो तुम्हें भी मेरी तरह मरने के लिए छोड़ देगा। सुप्रीम पैलेस के नंबर एक शिष्य के रूप में उसने अपनी बहन का अपमान होते देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, और इसलिए प्रथम सुप्रीम पैलेस का नंबर एक शिष्य बनने के लायक नहीं है। राशि उस समय अपना गुस्सा दिखाते हुए जोर से चिल्लाई, चीख से पूरा महल हिल गया था। मरने से पहले राशि चाहती थी कि प्रथम पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, हालांकि इससे राशि की किस्मत नहीं बदल सकी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, आग में तपने वाला मरीचा राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। राशि को अपने हवस का शिकार बनाकर मरीचा ने आखिर में राशि को जान से मार ही दिया। राशि आखिरी सांस लेते हुए भी आरुषि को चेतावनी देती गई कि वो प्रथम पर विश्वास ना करे। ज्यादा खून बह जाने के कारण राशि ने भी अपना दम वहीं तोड़ दिया था। उस लड़की के बाद राशि दूसरी लड़की थी जिसने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन राशि की मौत के लिए दर्श को थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि अपने दुश्मनों के लिए दर्श केवल नफरत रखता था, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला, वो किसी को नहीं छोड़ता था। दर्श के लिए ये सब एक समान थे, लेकिन दर्श
अभी भी राजशेखर के इंतजार में था। दर्श ने कहा, आखिर राजशेखर जी कहां रह गए हैं और कितनी जान को कुर्बान करेंगे? क्या राजशेखर जी अपना कर्तव्य भूल गए हैं? क्या वो भूल गए हैं कि सुप्रीम पैलेस के शिष्यों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है? हालांकि दर्श को राशि की मौत का कोई दुख नहीं था, क्योंकि राशि के साथ साथ कई और मासूमों के जान उन हैवान राक्षसों ने ली थी। लेकिन इस मौत के तांडव को राजशेखर जी रोक सकते थे और किसी को भी मरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन राजशेखर जी को काफी समय बीत चुका था और वो अभी तक काल राक्षस की गुफा में नहीं आए थे। आखिर कहां रह गए थे राजशेखर जी? क्या वो सच में आने वाले थे? क्या वो सच में सुप्रीम पैलेस की जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे? दर्श कंफ्यूज हो गया था कि वो क्या करे। तभी अचानक से एक लड़की की रोते हुए मदद मांगने की आवाज आने लगी। मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। काल ने फिर से अपना खेल खेला और उस भीड़ में से सबसे सुंदर लड़की को ढूंढने लगा। और देखते ही देखते काल राक्षस ने उस भीड़ में से एक सुंदर लड़की को ढूंढ निकाला। वो लड़की घबरा गई थी, उसका चेहरा आंसुओं से भर गया था और वो मदद की भीख मांग रही थी। काल राक्षस ने कहा, अरे अरे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस एक सवाल करूंगा, अगर उसका सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो लड़की बेहद डर गई थी। काल राक्षस ने पूछा, मैंने यहाँ एक नाम सुना है जो बहुत बार सुनाई दिया है, मुझे बस उस लड़की तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो बताओ, यहाँ सभी लोगों में से वो आरुषि नाम की सुंदर लड़की कौन है? मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, अगर जवाब नहीं आया तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। तो कहो, कौन है आरुषि? उस लड़की ने अपने आसपास देखा और अपनी जान को बचाते हुए उसने काल को डरते हुए कहा, वो काल ने गुस्से में कहा, बोलो बोलो, कहाँ है वो लड़की? उस लड़की ने कहा, वो वहां है, जिसने पिंक स्कर्ट पहनी है, वही है आरुषि। माहौल पूरा शांत हो गया था, सभी लोग बेहद डर गए थे। काल किंग ने देखा तो आरुषि का चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था। उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए आरुषि के चेहरे से स्कार्फ खींच लिया। जैसे ही काल किंग ने आरुषि का चेहरा देखा, उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई थी। दर्श ने देखा कि काल अपने अगले शिकार यानी आरुषि की ओर बढ़ रहा था, जिससे दर्श भी बहुत डर गया था, क्योंकि इस बार आरुषि ही काल किंग का शिकार बन गई थी। आगे क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। ओ, तो ये है मिस आरुषि। मानना पड़ेगा, वाकई में बहुत ही सुंदर दिखती हो। तुम मेरी नजरों से आखिर बच कैसे गई? काल नाम के राक्षस ने कहा। आरुषि को भीड़ में देख काल ने उस लड़की को फेंका और तुरंत छलांग मारकर आरुषि के पास पहुंचा और कहा, क्या खुशबू है, मन करता है अभी ही तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। मैंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को आज तक नहीं देखा। अब तक कहां छिपी हुई थी, क्यों मेरी नजरों के दायरों में आई नहीं? अगर ऐसी खूबसूरत बला हो तो इंसानों का चलना और तुम्हारे लिए लड़ना तो जायज है। काल आरुषि के आगे पीछे घूम रहा था, वो पूरी तरह से आरुषि से सम्मोहित हो गया था। जितने भी लोग आरुषि के पास खड़े थे, उस काल के आने के बाद सभी वहां से डर के मारे हट गए थे। आखिर काल आरुषि के साथ क्या करने वाला था? क्या वो बाकी लड़कियों की तरह आरुषि को भी मार देगा? क्या दर्श आरुषि को बचा पाएगा? बहुत सारे सवाल थे। आरुषि घबरा गई थी, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। आरुषि उस राक्षस काल को गुस्से से देख रही थी। काल ने कहा, क्या गुस्सा है, क्या आंखें हैं, ऐसी खूबसूरत लड़की को मैं कैसे मार सकता हूं? मारने के बजाय मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना दूं तो कैसा रहेगा? आरुषि को कमर से अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आखिर तुम जैसी खूबसूरती को कैसे छोड़ दूं? काल राक्षस ने आरुषि को तिरछी नजर से देखा और आरुषि को देखकर काल के अंदर की हवस दुगनी हो गई थी। आरुषि ने गुस्से में कहा, मुझसे दूर रहो। मैंने कहा मुझसे दूर रहो, मुझे हाथ भी मत लगाना। ये देख प्रथम जोर से चिल्लाया, तुम्हारे अंदर अभी भी जान है। काल किंग ने प्रथम की चीख सुनकर उससे कहा। प्रथम ने कहा, मैं वो। ये सुनने के बाद प्रथम के हाव भाव बदल से गए थे। प्रथम ने पहले आरुषि को ध्यान से देखा, फिर झिझका और अंत में चुपचाप शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया। प्रथम को अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी थी और किसी और के चक्कर में वो अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था।
काल राक्षस ने कहा, अरे मिस आरुषि, तुमने देखा कैसे मेरे डर से कोई मदद के लिए आगे भी नहीं आ रहा है। काल जोर जोर से हंसने लगा, ये इंसान जाति ही बहुत बेकार है। तुम इन इंसानों के पीछे रहकर अपनी सुंदरता और अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ आ जाओ तो तुम बहुत खुश रहोगी। मैंने ऐसी खूबसूरत लड़की को पहले कभी नहीं देखा है। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। आओ मेरे पास आओ। काल जोर जोर से हंसने लगता है। बोलते समय काल ने आरुषि को अपनी बाहों में पकड़ने के लिए अपनी बाहें खोल दी। आरुषि को अच्छा नहीं लग रहा था। गुस्से में आकर आरुषि के शरीर के अंदर की आग एक तेज ऑरा में तब्दील होकर निकलने लगी और वो अंदर से तेजी से बदलने लगी और एक भयानक शक्ति की लहर उठी। आरुषि की आंखें पानी जैसी साफ थी जो बदलने लगी थी और अचानक से एक फीकी पर्पल कलर की रोशनी उत्पन्न हुई जिसमें भयानक शक्ति थी। जब आरुषि को कोई खतरा महसूस होता या वो खुद कोई बड़े खतरे में फंस जाती तब आरुषि अपनी डिवाइन बॉडी की शक्ति का इस्तेमाल करती। आरुषि अपनी गॉड गिफ्ट डिवाइन बॉडी की शक्ति इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। ये डिवाइन बॉडी वही शक्ति है जो दर्श आरुषि से हासिल करना चाहता था। आरुषि डिवाइन बॉडी का इस्तेमाल करने ही वाली थी कि तभी पीछे मौजूद इंसानों की टोली में से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। जैसे ही आवाज चारों ओर गूंजी राक्षसों के साथ साथ आरुषि भी रुक गई थी और उस आदमी को देखने के लिए पलटी। ऐसी घटना ने काल को स्तब्ध कर दिया था। आरुषि ने भी अपनी गॉड गिफ्टेड शक्ति को वहीं पर रोक दिया। क्या वो राजशेखर जी थे? राक्षस के साथ साथ आरुषि भी पीछे मुड़ी। उन्होंने देखा कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि दर्श ही था जिसने आरुषि को अपनी डिवाइन बॉडी शक्ति का इस्तेमाल करने से रोका था। दर्श ने काल किंग को रोक लिया था। सभी दंग रह गए थे। मौजूद इंसानों की टोली भी डर गई थी। दर्श ने कहा, अरे मेरी जान को जाने दो, उसे गुस्सा मत दिलाओ वरना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर है कि उसे यहां मेरे पास सही सलामत वापस भेज दो। इसे सुनते ही आरुषि, पारस, कौशिक और वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए थे। कौशिक ने छुपते छुपाते एक वॉइस ट्रांसमिशन भी भेजा ये कहते हुए कि दर्श बेवकूफी मत करो। कौशिक ने कहा, आरुषि के पीछे पागल मत बनो वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। बेवकूफ मत बनो दर्श। हालांकि दर्श को अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दर्श ने काल से कहा, उसे जाने दो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार दो, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन उसे कुछ मत करना। अगर उसे कुछ किया तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आरुषि ने दर्श को ऐसा बोलता देख कहा, दर्श तुम? आरुषि दर्श को देख नम हो गई थी। आरुषि के पास दर्श से कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे क्योंकि दर्श वो पहला बंदा था जो आरुषि के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गया था। काल किंग ने कहा, ए बच्चे, क्या तुम सचमुच अपनी जान देकर इसे बचाना चाहते हो? मेरी बात मानो, अपने कदम पीछे ले लो। तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना हाँ बोलने के बाद का अंत क्या होगा? काल की नजर जानबूझकर उस आदमी के अवशेषों पर पड़ी जिसे उसके साथी राक्षस ने टॉर्चर करके मार डाला था। कोई इस बच्चे को याद दिलाओ कि किस तरह उस लड़के को टॉर्चर किया था। काल किंग ने कहा। दर्श ने काल से कहा, अपनी बकवास बंद करो और उसे तुरंत जाने दो। क्या तुम्हें अब कोई खेल नहीं खेलना? कहो तुम कैसा खेल खेलना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ खेल खेलने के लिए तैयार हूं। हालांकि दर्श बिल्कुल शांत नजर आ रहा था लेकिन अंदर ही अंदर दर्श अपने लिए फैसले से भी लड़ रहा था और उसने फैसला कर लिया था कि अगर आरुषि को बचाने के लिए दर्श को अपनी जान देनी भी पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दर्श अपनी जान का खेल खेलने जा रहा था सिर्फ इसी भरोसे कि राजशेखर किसी भी वक्त आ जाएंगे। क्या होगा दर्श के साथ? क्या दर्श कालकिंग जैसे खतरनाक राक्षस को मार पाएगा? दर्श ने राजशेखर जी से वादा लिया था कि राजशेखर जी दर्श को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आरुषि उनकी पोती थी, उसके लिए वो यहाँ आएंगे ये बात पक्की थी। लेकिन अगर वो नहीं आए तो? उनके इंतजार में दर्श की जान चली गई तो? क्या राजशेखर सच में दर्श का उपयोग करना चाहते हैं? और ऐसी बात है तो भले दर्श राक्षस से बच जाए लेकिन फिर भी यहां से जाने के बाद राजशेखर जी दर्श को जहर देकर मार देंगे। आखिरकार दर्श के पास दो सीक्रेट स्किल थी और दूसरों के लिए इन सीक्रेट स्किल को हासिल करने का केवल एक ही तरीका था और वो था दर्श को खत्म करना। दर्श को मौत के घाट उतारने के बाद ही दर्श की सीक्रेट स्किल को वो लोग हासिल कर सकते थे। दर्श के मन में बहुत सवाल थे। काल किंग ने कहा, लड़के तुम्हारे पास टैलेंट तो है,
आज मैं तुम्हें एक एक करके अपने सारे टॉर्चर के तरीकों का अनुभव करवाऊंगा। कालकिंग राक्षस ने बिना समय गवाए सीधे गोली मार दी। वो गोली अदृश्य होकर हवा में इतनी तेजी से दर्श की ओर बढ़ी कि वो अदृश्य गोली दर्श की छाती को चीरते हुए निकल गई। दर्श के शरीर से खून फर्श पर नदी की तरह बहने लगा, लेकिन इतनी शक्तिशाली वार के बाद भी दर्श सिर्फ एक कदम पीछे हटा और दर्श ने अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली थी। इसके बजाय दर्श काल को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम एक राजा हो, क्या बस यही एक तरीका आता है तुम्हें? मुझे लगता है कि ये तुम्हारी सेना के जिस राक्षस ने टॉर्चर किया था उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। दर्श ने काल को उकसाया, लेकिन ये देख काल मुस्कुराया और कहा, बच्चे ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। काल ने अपने अगले वार से दर्श को अपनी शक्ति से हवा में ऊपर उड़ा दिया और अचानक से काल ने दर्श को ऊपर से नीचे गिरा दिया। कालकिंग के इस शक्तिशाली वार के बाद दर्श इतनी तेजी से नीचे गिरा था कि दर्श की पीठ की हड्डियों के टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे हॉल में गूंज गई। दर्श की पीठ कई जगहों से टूट गई थी, लेकिन फिर भी दर्श ने अपने मुंह में से एक आवाज तक नहीं निकाली। दर्श फिर से काल की ओर देखकर मुस्कुराया। ये देख काल बेहद गुस्से में आ गया था, लेकिन वहां मौजूद सभी को दर्श की चिंता होने लगी थी। दर्श को इतनी चोट लगने पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और हर एक वार के बाद फिर से काल के सामने उसके अगले वार के लिए खड़ा हो जाता। दर्श अपने घाव को आसानी से ठीक कर सकता था क्योंकि वो एक वर्ल्ड स्प्रिटिस्ट था। काल ने अपनी तीसरी तकनीक आसमाई। काल ने अपनी हथेली को घुमाया और उसके हाथ में अचानक से एक अजीब वस्तु हिलती हुई दिखाई दी। काल के हाथ को ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके हाथ में एक फुट जितना लंबा कीड़ा था। इस कीड़े का शरीर सफेद था और इसके पंजे घने काले थे। वो कीड़ा देखने में बहुत ही बदसूरत था। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि ये कीड़ा ऐसा ऑरा छोड़ता है जिसे देख दर्श कांप उठता है। काल के हाथ पर रेंगने वाले कीड़े को हड्डी खाने वाला कीड़ा कहा जाता है। काल ने कहा, अगर ये तुम्हारे शरीर में घुस गया तो ये तुम्हारे सारे अंग मांस और खून को थोड़ा थोड़ा करके खा जाएगा और अंत में तुम्हारी हड्डियों को भी खा जाएगा, और उससे पहले तुम स्पष्ट रूप से महसूस करोगे कि ये तुम्हारे शरीर के अंदर के अंगों को खा रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये एहसास बेहद पसंद आएगा। दर्श ने कहा, अरे क्या कालकिंग, कोई तो नया तरीका इस्तेमाल करो मुझे टॉर्चर करने का। तुमने ये हड्डी खाने वाला कीड़ा ही चुना, खैर मुझे लगा कि ये कोई नई चीज होगी। हालांकि इस भयानक हड्डी खाने वाले कीड़े को देखकर दर्श थोड़ा सहम गया था, लेकिन दर्श अपने चेहरे पर डर नहीं दिखाना चाहता था। अगर दर्श के चेहरे पर थोड़ा सा भी डर आ जाता तो काल जीत जाता और आरुषि को नहीं छोड़ता। राजशेखर के आने तक दर्श सिर्फ थोड़ा वक्त लेना चाहता था। काल ने कहा, क्या तुम इस बोन ईटर को जानते हो? ये देखकर काल दंग रह गया, क्योंकि ये बोन ईटर काल का पालतू जानवर था और ये आमतौर पर कहीं भी नहीं पाए जाते। काल ने कहा, आम लोगों के लिए इसे देख पाना नामुमकिन है, तो दर्श कैसे इसे जानता है? दर्श के इस हिम्मत ने काल को एक पल के लिए हैरान कर दिया था। दर्श ने कहा, बेशक मैंने इसे पहले देखा है। ये एक प्रकार का कीड़ा है जो खून मांस और हड्डियों को खाता है। इस तरह के टॉर्चर दूसरों के लिए ठीक होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं। ये कीड़े वाला टॉर्चर मेरे मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें मुझे टॉर्चर करने के लिए किसी और तरीके का उपयोग करना चाहिए। काल ने कहा, सच में ठीक है, फिर तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तुम पहले इस हड्डी खाने वाले कीड़े का टॉर्चर सहन कर लो, और अगर तुम इसमें कामयाब हुए तो मेरे पास तुम्हें टॉर्चर करने के लिए और भी तरीके हैं। काल अजीब तरह से मुस्कुराया, जैसे कि वो देख सकता था कि दर्श इस कीड़े वाले टॉर्चर से बचने का नाटक कर रहा था, और दर्श की ओर अपना कदम बढ़ाया। दर्श ने कहा, अरे मैं सच में कह रहा हूं, तुम वाकई में इस कीड़े से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम इसके अलावा कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक बार सोच लो। मुझे ये बदसूरत चीज मत खिलाओ। अरे हाँ, काल ने दर्श की एक नहीं सुनी और एक बड़े हाथ से दर्श का मुंह दबा दिया और दूसरे हाथ से वो हड्डी खाने वाले कीड़े को दर्श के मुंह में डालना चाहता था। दर्श ने काफी कोशिश की, लेकिन वो काल से नहीं लड़ पाया। क्या दर्श काल के इस टॉर्चर को सह पाएगा? आरुषि बोल उठी, उसे जाने दो, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए मरे। आरुषि को विश्वास नहीं हो रहा था कि दर्श उसके लिए ऐसा कुछ भी कर सकता था। आरुषि का नाजुक शरीर कांप उठा। आरुषि के शरीर में से अचानक एक मैजिस्टिक शक्ति निकली और आरुषि ने काल के बांधे हुए सभी जादुई रस्सियों को खोल दिया और काल को रोकना चाहती थी। दर्श ने कहा, पीछे हटो, तुम कुछ भी नहीं करोगी।
काल ने जैसे ही देखा कि आरुषि ने अपनी शक्ति से जादुई रस्सियों को खोल दिया है, तो काल ने अपनी शक्तियों से आरुषि को एक बड़े से कपड़े में लपेट दिया, जिससे आरुषि अपनी किसी भी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके। दर्श ये देखकर कि वो बदसूरत बड़ा कीड़ा दर्श के मुंह में जाने ही वाला था, दर्श का चेहरा पीला पड़ गया था। दर्श नहीं चाहता था कि उसे कोई कीड़ा खाए और वो ऐसी मौत पाए। दर्श जो अब तक काल के सभी टॉर्चर को चुप रहकर सह रहा था, वो इस कीड़े वाले टॉर्चर से चिल्ला उठा। अचानक हॉल के प्रवेश द्वार से किसी राक्षस की भी आवाज सुनाई दी। उस आवाज से काल के बदसूरत चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। काल ने मुख्य हॉल में प्रवेश द्वार की ओर अपनी नजर घुमाई और जोर से चिल्लाया, जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही एक बुजुर्ग दिखाई दिए। दर्श ने भी अपना ध्यान हॉल के प्रवेश द्वार की ओर लगाया और वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे, और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आरुषि के दादाजी राजशेखर जी ही थे। राजशेखर जी को देख दर्श और बाकी के सभी लोग खुश हो गए थे। काल ने देखा कि राजशेखर जी के सामने एक राक्षस घुटने टेक रहा था। ये राक्षस बिल्कुल काल किंग जैसा ही दिख रहा था। इसकी आंखें और शरीर भी काल के जैसे ही थी, और वो राक्षस श्रेष्ठ क्षेत्र के सातवें स्तर पर था। वो और कोई नहीं बल्कि काल किंग का बेटा था। काल किंग चिल्ला उठा, मेरे बेटे भैरव। काल किंग जान गया था कि उसके बेटे को मनुष्य ने बंदी बनाया है। दर्श को पता चला कि राजशेखर जी काल के बेटे को पकड़ने गए थे। काल अपने बेटे को राजशेखर जी की कैद में देख बेहद डर गया था। दर्श और वहां मौजूद सभी लोगों के मन में एक नई उम्मीद की किरण जागी थी। एक राजशेखर जी ही थे जो काल का मुकाबला कर सकते थे। सब ठीक हो रहा था, पर दर्श के मुंह में वो कीड़ा चला गया था। क्या दर्श उस मांस खाने वाले कीड़े से लड़ पाएगा? क्या राजशेखर दर्श की जान बचा पाएंगे? आगे क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।